जब से योगी सरकार प्रदेश की सत्ता पर दोबारा काबिज हुई है, तब से अपराधियों और माफियाओं की तो खटिया ही खड़ी हो चुकी है। और तो और अपराधियों में योगी सरकार का खौफ इतना बढ़ गया है कि अब अपराधी यूपी में आने से भी डरते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाते हैं कि हमें यूपी न भेजा जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हमारा बयान ले लिया जाए। अगर आपको हमारी इस बात पर यकीन ना हो तो आप खुद ही सुन लीजिए। आज वही अपराधी उत्तर प्रदेश में आने के लिए डरते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश न भेजा जाए, हमको जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरी बयान ले लिया जाए। तो सुना आपने, यूपी में योगी सरकार का खौफ इतना बढ़ चुका है कि अपराधियों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया रोडवेज बस अड्डे से परिवहन निगम की राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने विपक्ष को जमकर घेरा और ये कहा कि 2017 से यूपी में हमारी सरकार है और 2014 से केंद्र में हमारी सरकार है। सपा के कितने लोगों को हमने जेल भेज दिया है, केवल अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, वो भी इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो, एक कानून का राज स्थापित हो। बताइए, उत्तर प्रदेश में 2017 से सरकार है और 2014 से हमारी केंद्र में सरकार है, समाजवादी पार्टी के कितने लोगों को जेल भेज दिए हम लोग, केवल अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, वो भी इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध से मुक्त हो, एक कानून का राज स्थापित हो। योगी जी ने जो एक ऐसा आदर्श शासन उत्तर प्रदेश में दिया, जिसके कारण केवल हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी आज उत्तर प्रदेश में अपना निवेश कर रही हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों में माननीय योगी जी 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश चाहते थे, लेकिन इन्वेस्टर मीट में 33 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है। ये केवल जो योगी जी के सुशासन के कारण, यहाँ अपराध मुक्त जो उन्होंने एक व्यवस्था दिया उसके कारण इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इन लोगों के शासन में अपराधी किस तरह से चलते थे, जेल से DGP ऑफिस चले जाते थे। आज वही अपराधी उत्तर प्रदेश में आने के लिए डरते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश न भेजा जाए, हमको जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मेरी बयान ले लिया जाए। आज ये कानून का राज है, इसलिए ऐसा बातें हो रही। होली हो या फिर दिवाली, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले हर नागरिक को 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में प्रदान करने की योजना बनाई गई थी, मगर सरकार ने इस पर कितना अमल किया, इसको लेकर परिवहन मंत्री का कहना है कि इसकी व्यवस्था हो रही है, हमारी सरकार उसके लिए व्यवस्था कर रही है। पहले की सरकारों में केवल अमीर लोगों को ही गैस कनेक्शन मिलता था, सिलेंडर तो छोड़ दीजिए, ये मोदी जी हैं। इसी बलिया में उज्ज्वला योजना लागू करके 13 करोड़ माताएं बहनें जो झोपड़ी में रहती हैं, कच्चे मकान में रहती थी, उनको पक्का मकान और गैस का सिलेंडर कनेक्शन उसको भरा करके फ्री में देने का काम किया है। विधानसभा चुनाव था, उसमें एजेंडा था कि गरीबों को 2 सिलेंडर दिया जाएगा होली और दिवाली को, लेकिन अभी किसी को 1 सिलेंडर नहीं मिला, क्या कहेंगे? नहीं, इसकी व्यवस्था हो रही है, हमारी सरकार ने उसके लिए सब व्यवस्था कर रही जी। आप ये बताइए कि पहले की सरकारों में केवल अमीर लोगों को ही गैस का कनेक्शन मिलता था, सिलेंडर तो छोड़ दीजिए, ये मोदी जी हैं किसी बलिया में उज्ज्वला योजना लागू करके 13 करोड़ हमारी माताएं बहनें जो झोपड़ी में रहती हैं, जो कच्चे मकान में अभी तक रहती थी, उनको पक्का मकान और गैस का सिलेंडर और कनेक्शन और उसमें भरा करके फ्री में देने का काम किया। आप पहले देखते थे सांसदों से जो एक कूपन लेकर के लोग कनेक्शन लेते थे, केवल अमीर घरों की जो सेवा थी, आज एक आम आदमी की सेवा माननीय मोदी जी और योगी जी के कारण हुआ है। इसके साथ ही दयाशंकर सिंह ने इस बस के फायदे गिनवाते हुए कहा कि ये बस उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है, वो लखनऊ जाना चाहते हैं अपने ऑफिशियल काम से, निजी काम से, या फिर अपने बच्चों से मिलने के लिए, तो सुबह चलेंगे, दिन भर अपना काम करेंगे और फिर शाम को वहाँ से बस पकड़कर वापस आ जाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से सभी जनपदों के लिए 75 जनपदों के लिए राजधानी सेवा का प्रारंभ किया था, आज बलिया से बलिया राजधानी सेवा प्रारंभ हो रही है।
ये बस उन लोगों के लिए है जिनके पास अपनी निजी गाड़ी नहीं है, लेकिन वो लखनऊ जाना चाहते हैं अपने ऑफिशियल काम से, अपने पारिवारिक काम से, अपने बच्चों से मिलने के लिए। तो वो सुबह में चलेंगे, दिन भर अपना वहाँ पर काम करेंगे और शाम के समय फिर इसी बस से वो वापस आ जाएंगे। उनको लखनऊ में उनको कोई होटल या अपने किसी पारिवारिक के यहाँ रुकने वाली जो समस्या है उससे उनको इससे मुक्ति मिलेगी। इस बस में हीरो 6 बस है। इस बस में नई टेक्नोलॉजी के हर चीज़ GPS से लेकर के पैनिक बटन तक लगाया गया है। हमारी माताएं बहनें यदि उनको कोई दिक्कत होती इस बस के अंदर तो इसको पुलिस से, सेवा से और अपने हमारे अधिकारियों के, हमारे जो है कमांड ऑफिस से, उससे तुरंत सूचना प्राप्त हो जाएगी और तुरंत जो है यहाँ पर कोई ना कोई अधिकारी इस बस के पास आ करके उसका समाधान करेगा। इसकी सीटें बहुत आरामदायक है और ये 0 पोल्यूशन वाली, मैंने 0.6 इंजन की बस है। ये बहुत ही अच्छी बस है और इसकी सेवा बलिया के लोगों को अच्छी से मिलेगी। खैर, सरकार ने बलिया के लोगों को जो सौगात दी है उससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी और उनका सफर भी आरामदायक होगा और जिन लोगों के पास अपनी निजी गाड़ी नहीं थी वो अब आसानी से सफर कर सकेंगे। Thank you.